हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में झारखंड की जनजातियों के बारे में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे पिछले वीडियो में हमने झारखंड की जनजातियों के बारे में देखा था आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विभाग के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह होता है तो जब क्या है कि कोई बॉय है और कोई गर्ल है और ये जो है एक तरफा प्यार होता है ठीक है एक तरफा प्यार होता है लड़की लड़के से करती है तो लड़की क्या करती है कि जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर रहती है सास ससुर की सेवा करती है सभी यातनाओं को सहन करने के बावजूद भी घर का सब काम करती है तो और इस टाइप कंडीशन में यदि पंचायत के माध्यम से लड़का लड़की का विवाह कर दिया जाता है तो इस विवाह को क्या बोलते हैं निर्बोलक विवाह कहते हैं ऑप्शन नंबर सी निर्बोलक विवाह ठीक है नेक्स्ट क्या है कि इतूत बापला को किसको बोलते हैं इतूत बापला में क्या होता है कि किसी अवसर के पर जो है किसी अवसर पर जो है लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया जाता है यतूत बावला हो जाता है अबगीर बापला में क्या होता है कि लड़का लड़की प्रेम करता है बट किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से जो है पंचायत को पता चलता है और जब विवाह होता है तो उसको अबगीर बापला बोलते हैं क्या हो गया किरिंग बापला जो होता है या सदाई बापला ये अरेंज मैरिज है और इसमें जो है वधु मूल्य अनिवार्य है ठीक है इसमें क्या होता है मधु मूल्य अनिवार्य होता है अरेंज मैरिज तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्बोलक विवाह होगा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह कर लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बहादुर बापला बहादुर बापला में लड़का लड़की जंगल में भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं ठीक है अबगीर बापला पंचायत के माध्यम से दोनों लड़का लड़की का विवाह होता है ठीक है निर्बोलक में जो है लड़की लड़के के घर में जाती है सभी यातनाओं को सहन करती है और पंचायत के माध्यम से भी इसका विवाह किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं निर्बोलक ठीक है अब देखिए संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की भी जो है आपस में प्रेम करते हैं और जब ये बात जो है गाँव वालों को पता चलता है तो गाँव वाले के राजी खुशी से इन दोनों का विवाह किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं राजा राजी बापला ऑप्शन नंबर सी राजा राजी बापला कहते हैं नेक्स्ट क्या हो गया किरिंग जमाए बापला किसको बोलते हैं तो क्रिंग जमाए बापला जो होता है इसमें क्या होता है कि लड़की यदि गर्भवती हो जाती है तो क्या होता है कि अगर किसी कारण से लड़की का शादी नहीं होता है तो किसी मध्यस्थ के माध्यम से अन्य लड़के से इसकी शादी कराई जाती है ठीक है तो गर्भवती वाले केस में क्रिंग जमाए बापला इसको बोलेंगे और टुनकी दिपिल बापला नेक्स्ट क्या होता है टुनकी दिपिल बापला टुनकी दिपिल बापला में क्या होता है यदि कोई ठीक है बॉय है और गर्ल से शादी कर रहा है और इस लड़के को जो है लड़की को क्या देना पड़ता है मधुमूल्य अगर लड़का किसी कारण से जो है उस बधूमूल्य को नहीं दे पाता है काफ़ी गरीब होता है तो लड़का लड़की को क्या करता है कि अपने घर में लाकर सिंदूर दान करता है वहीं पर शादी करता है तो उसको क्या बोलते हैं टुनकी दिपिल बापला तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा वो हो जाएगा आ, राजा राजी बापला ठीक है सांगा बापला किसको बोलते हैं कि यदि विधवा विवाह हो या विधुर विवाह हो तो उस टाइप के विवाह को सांगा बापला बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला के विवाह जो है विधुर पुरुष से होता है तो इसका क्या होगा ये हो गया सांगा बापला ठीक है किरिंग बापला बापला, बापला पता पता हो गया, बापला, निर्बोलक बापला भी पता चल गया, निर्बोलक भी चल तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सांगा बापला नेक्स्ट देखते हैं कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भ कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है तो ये कौन सा हो जाए जब गर्भधारण की बात कहे और लड़की विवाह होगा तो किरिंग जमाएँ बापला इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर बापला में लड़का लड़की जंगल में भाग जाते हैं और घरदी दी बापला में जो होता है क्या करता है कि लड़की जो है कहाँ लड़का जो है लड़की के घर में ही जा के बस जाता है पहला तो ये कंडीशन हो गया दूसरा हो गया यदि लड़का लड़की से विवाह करता है और वधु मूल्य नहीं दे पाता है तो जितना बधू मूल्य का वैल्यू होता है उतना दिन तक वो लड़के के घर में रहता है जमाई बनकर तो ये जो है घरदी जवाए बापला होता है ठीक है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा किरिंग जवाए बापला नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट में क्या है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है अरेंज मैरिज ठीक है जो अरेंज मैरिज होता है इसको क्या बोलते हैं या तो किरिंग बापला बोलते हैं या सदाई बापला बोलते हैं किरिंग या सदाई बापला बोलते हैं ठीक है बापला मतलब क्या होता है विवाह होता है ठीक तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा किरिंग बापला ये सबसे प्रचलित विवाह होता है नेक्स्ट देखते हैं संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है यदि मध्यस्थ का होगा तो ऑवियस ये बात है कि हम क्या किसका आंसर करेंगे ये अवगिर बापला में तो नहीं है राजा राजी में गांव के माध्यम से ही होता है घरदी दी बापला में भी ठीक है तो किरिंग जमाएँ बापला में भी मध्यस्थ का ज़रूरत होता है ठीक है तो ये क्या हो गया किरिंग जमाए बापला इसमें भी मध्यस्थ के माध्यम से जो है विवाह तय किया जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति में विवाह के समय पर वर पक्ष द्वारा बधु पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है तो ये क्या कहलाता है ये कहलाता है पौन ठीक है यानी कि कोई लड़का है वो क्या करता है जब लड़की से विवाह करता है तो इसको जो है एक मूल्य देना बोल पड़ता है जिसको बधु मूल्य बोलते हैं और संथाल जनजाति में इस बधु मूल्य को क्या कहते हैं पौन कहा जाता है ठीक नेक्स्ट क्या है यहाँ पर बिटलाहा बिटलाहा क्या चीज़ होता है बिटलाह एक प्रकार का जो है सजा होता है और ये सजा एक सामाजिक सजा होता है कैसे जब यौन उत्पीड़न मामले में जो है यदि कोई फंस जाता है तो उसको बिटला सजा दिया जाता है यदि वो समगोत्री विवाह करता है माने एक ही गोत्र में विवाह करता है जैसे मुर्मू मुर्मू के साथ कर लिया फिर टुडू टुडू के साथ कर लिया ठीक है तो उसमें भी बिटला सजा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर समगोत्री विवाह वर्जित होता है और या तो बिजातीय विवाह कर लेता है बिजातीय मतलब दूसरे जात में शादी कर लेता है तो भी इसको बिटलाह का सजा मिलता है नेक्स्ट क्या हो गया नेक्स्ट हो गया एरोक क्या चीज़ होता है जब बीज बोने के टाइम में जो है क्या किया जाता है ये इरोक मनाया जाता है और ये कब आषाढ़ में मनाया जाता है आषाढ़ में ठीक है आषाढ़ मंथ में आषाढ़ यानी कि कब जून या जुलाई ठीक है जून या जुलाई के मंथ में जो है ये किया जाता है इसको बोलते हैं एरोक ठीक नेक्स्ट देखते हैं यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सा सजा का प्रावधान है ठीक है तो यदि यौन संबंधों का दोषी पाया जाएगा तो उसको डायरेक्ट क्या किया जाएगा बेटलाह किया जाएगा उसके अलावा अगर समगोत्री विवाह किया तो भी बेटलाह सजा है ठीक है मेनली जो ये सजा देता है यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर ही ये सजा दिया जाता है पौन क्या चीज़ होता है पौन होता है कि लड़का को जो है लड़की को लड़का की ओर से दिया जाने में वधू मूल्य को पौन बोलते हैं ये मरांग बुरु क्या होता है मरांग बुरु पहाड़ देवता को ठीक है जो पहाड़ देवता होते हैं उसको मरांग बुलू संथाल में कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बेटलाहा के अंतर्गत क्या होता है कि दोषी को आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है गलत बात है दोषी को सामूहिक भोज कराना होता है ये भी गलत है दोषी को सामाजिक बहिष्कार ठीक है जो दोषी होता है उसका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ता है इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है युवा गृह क्या होता है युवा गृह जो है बेसिकली जो संथाल जनजाति में या किसी भी जनजाति में जो यु युवा यू युवती यू होता है उनको जो है उनके समाज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है रीति रिवाज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है वो कहाँ किया जाता है युवा गृह में किया जाता है ठीक है तो इसको संथाल जनजाति में युवा गृह का अलग अलग नाम है एक तो इसमें क्या बोलते हैं जो घोटुल बोला जाता है ये कहाँ बोला जाता है ये बोला जाता है आपका संथाल जनजाति में अगर हम गोंड में जो है इसको भी घोटुल बोलते हैं गोंड जनजाति में जो है घोटुल बोला जाता है ठीक है ना अब आँतों क्या होता है संथाल जनजाति में जो गांव होता है उसको क्या कहा जाता है आतो कहा जाता है गांव को आँतों बोलते हैं शादी को क्या बोलते हैं बापला होते हैं बधुमूल्य को पौन कहा जाता है नेक्स्ट क्या हो गया कि संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है एरो क्या है फेस्टिवल है ठीक है एरोक क्या है बीज बोने का फेस्टिवल है और ये कब किया जाता है ये आषाढ़ महीने में यानी जून जुलाई के महीने में किया जाता है ठीक एरो बापला शादी को बोलते हैं यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बापला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बापला नेक्स्ट आते हैं कि संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में जो गांव है उसको आँतों के नाम से जाना जाता है घोटुल क्या चीज़ युवा गृह जो होता है संथाल में उसको घोटुल के नाम से जाना जाता है एरोक आषाढ़ में किया जाने वाला फेस्टिवल है और ये बीज बोने से रिलेटेड होता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संथाल जनजाति में प्रचलित जो माझी थान होता है में क्या किया जाता है तो माझी थान क्या जहाँ पंचायत होता है ठीक है ये पूरे गांव के बीच में ये मांझी थान होता है यहीं पर जो है जो सरपंच होते हैं गांव के प्रधान होते हैं यहीं मांझी थान में ही बैठते हैं और इसको क्या कहा जाता है मांझी कहा जाता है इसका जो है असिस्टेंट होता है जोग मांझी और प्रमाणिक इसके असिस्टेंट होते हैं ठीक है जोग मांझी जो है जितना युवा युवती से रिलेटेड केस होता है वो कौन जोग मांझी फैसला उसका देते हैं ठीक है एक होता है कि गुड़ायत ठीक है गुड़ायत जो संदेश वाहक होता है संथाल जनजाति में तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो मांझी थान में क्या होता है पंचायत की बैठक होती है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन क्या है सत्य है मांझी थान के संबंध में, में कौन सा मांझी थान में पंचायत के बैठकों का आयोजन किया जाता है सही बात मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है ये भी सही बात है एंड इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों सही है संथाल जनजाति में त्यौहारों की शुरुआत किस माह से होती है और संथालों में जो है संथाल की प्रॉपर बात करें तो जो शुरुआत होती है कब से होती है आषाढ़ से होता है ठीक है ये शुरुआत जो होता है आषाढ़ से होता है आषाढ़ मतलब अगर बोलें तो क्या जून जुलाई का मंथ ठीक है और इस महीने में कौन सा होता है एरोक होता है एरोक ठीक है एरोक हो गया एरोक कब मनाया जाता है आषाढ़ में मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आषाढ़ अगर हम सावन की बात करें तो सावन की जो होता है कब से होता है सावन में जून जुलाई से ठीक है एक जुलाई अगस्त से ये हो गया सावन और इस समय क्या मनाया जाता है कौन सा फेस्टिवल हरियाड हरियाड़ ठीक है हरियाड फेस्टिवल मनाया जाता है और फसल की हरियाली और अच्छी उपज के लिए जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है फिर इसके बाद क्या हो गया इसके बाद एक आता है चैत तो चैत महीने में क्या होता है बा पर्व ठीक है चैत महीने में जो आता है वो क्या होता है बा पर्व मनाया जाता है मार्च अप्रैल में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है देखिए सरहुल पर्व एक इम्पॉर्टेंट नोट करने सर, अगर पूरे जनजाति की बात करें ठीक है तो सरहुल पर्व जो है पूरे जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है लेकिन अगर खास करके संथाल का सबसे बड़ा पर्व बोलेंगे तो ये क्या है सोहराय है ठीक है सरहुल को जो है अलग अलग नाम से जानते हैं संथाल में इसको जो है क्या बा पर्व के नाम से जानते हैं ठीक है अगर मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा में इसको सरहुल ही बोला जाता है और अगर उड़ाव की बात करें ठीक है उरांव में इसको क्या बोलते हैं उड़ाव में खद्दी बोलते हैं ठीक है खद्दी पर्व बोलते हैं उराव में ठीक है सोहराय को ये तो सबसे बड़ा पर्व होता है संथाल का लेकिन अगर पूरे जनजाति की बात करें तो सबसे बड़ा पर्व क्या हो जाएगा सरहुल हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बाप पर्व। ठीक संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार जो है आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है आषाढ़ महीना में और सबसे जो शुरुआत होती है फ़ेस्टिवल का संथाल में वो कब से होता है आषाढ़ से ही होता है यानी कि जून जुलाई से होता है और इस महीने में, में कौन सा इरोक यानी कि बीज बोने का फेस्टिवल मनाया जाता है नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर मनाया जाता है कब सावन माह में मनाया जाता है धान की हरियाली आने पर तो हरियाड हो गया ठीक है सोहराय कब मनाया जाता है सोहराय संथाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसमें पशु पूजा की जाती है पशु की पूजा की जाती है ठीक है पशु की पूजा की जाती है और ये कब मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है अब देखिए बा पर्व किसको बोलते हैं बा पर्व सरहुल को बोलते हैं ठीक संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सोहराय ठीक है कार्तिक अमावस्या को सोहराय मनाया जाता है बाहा पर्व कब ये शुद्ध जल की होली खेली जाती है इसमें बाहा पर्व में संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है तो घर परिवार की कुशलता हेतु जो मनाया जाता है ये कौन सा पर्व मनाया जाता है संक्रांत संक्रांत जो होता है कब मनाया जाता है ये पौषमा में मनाया जाता है ठीक है पौषमा का अर्थ क्या हो गया दिसंबर या जून के टाइम में ये मनाया जाता है हरियाढ़ कब मनाया जाता है हरियाढ़ सावन के महीने में अच्छी फसल आने पर मनाया जाता है और नेक्स्ट क्या हो गया ये भागसिम के बारे में ये भागसिम क्या होता है भागसिम होता है कि जैसे जो भी गांव के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं अधिकारी होते हैं इस टाइम में वे लोग अपना जो है पद ग्रहण करते हैं जो इस पद के उहेदार होते हैं ठीक है सौराय क्या होता है सौराहे जो है ये क्या किया जाता है पशु की पूजा किया जाता है संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार माघ माह में मनाया जाता है ठीक ओहेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहदे की सुकृतु दे देने हेतु मनाया जाता है तो ये कौन सा हो जाएगा भागसिम ठीक है ओहेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहेदार की सुकृति देने हेतु मनाया जाता है तो भागसिम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार नंत फागुन माह में फागुन में होली होता है तो होली को इसमें संथाल जनजाति में बा पर्व के नाम से मनाया जाता है और इसमें शुद्ध जल की जो है होली खेली जाती है ठीक है नेक्स्ट आते हैं कि संथाल जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि संथाल जनजाति में कौमकट चित्रकारी जो है ये कंगी से बना हुआ चित्रकारी फेमस होता है ये सही है संथाल जनजाति में गोदना गोदवाने का भी प्रचलन है और लड़का लोग जो है हाथ में सिक्के का चित्र जो है गोदना करवाते हैं सिक्के का चित्र अगर वो सिक्का का चित्र जो है अगर नहीं होगा तो लड़की जो है उस लड़के से शादी भी नहीं करना चाहती है और कहाँ पर बाएँ हाथ में ठीक है यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है संथाल जनजाति में माँ को किस नाम से जाना जाता है माँ को किस नाम से जाता है ये जो है माँ को महीने को किस नाम गुड़ाइत तो पौन है बोंगा के नाम से ठीक है बोंगा को यानी कि माँ को नाम से जाना जाता है पोचाई क्या होता है पोचाई जो होता है संथाल जनजाति का सबसे शुद्ध पेय पदार्थ होता है पोचाई हो गया हड़िया हो गया ठीक है अब ये गुड़ाइत क्या होता है अगर गुड़ाइत की बात करें गुड़ाइत क्या होता है तो गुड़ाइत क्या होता है ये वाहक का काम करता है पंचायत स्तर पर क्या करता है संदेश वाहक का काम करता है पौन क्या होता है पौन इसमें होता है कि बधूमूल्य को पौन बोला जाता है संथाल जनजाति में ठीक है अब संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है अगर वर्ष की शुरुआत की बात करें तो इसमें किस माह से होती है माघ बोंगा इतुत बोंगा बहा बोंगा या किस बोंगा से माह की शुरुआत होती है तो ये होगा माघ बोंगा ठीक है ये माघ बोंगा होगा ना ये करेक्ट आंसर है ये वर्ष की शुरुआत होती है माघ बोंगा से नेक्स्ट आता है कि संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को क्या बोलते हैं जो स्थानीय मदिरा होता है उसको क्या बोलते हैं उसको हड़िया या पोचाई के नाम से ये हड़िया भी बोलते हैं और पोचाई भी बोलते हैं यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा उपरोक्त दोनों ठीक है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये सबसे शुद्ध पेय पदार्थ होता है संथाल जनजाति के सर प्रमुख देवता कौन से हैं अगर देवता की बात करें तो प्रमुख देवता जो होता है वो सिंहबोंगा होता है इसको ठाकुर देवता भी माना जाता है यानी सूर्य के समान होता है और ऐसा माना जाता है कि जो सिंहबोंगा होते हैं वो सृष्टि के रचिता होते हैं जनजाति के अकॉर्डिंग ठीक है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सिंहबोंगा बोंगा मारांगुरु जो सेकेंड प्रमुख देवता होते हैं पहाड़ देवता जिसको मारंग बुरु कहा जाता है ओड़ाक बोंगा ये जो है घर के देवता को क्या बोलते हैं गृह देवता को राग बंगा बोलते हैं और जहाँ पर जो है गांव के देवता को जो है ये ग्राम देवता हो गए जाहिर एरा और जहाँ पर रहा जा रखते हैं गांव के देवता देवता को उसको क्या बोलते हैं जाहिर ठीक है उसको क्या बोलते हैं जाहिर एरा थान ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं जहाँ उसको रखा जाता है जाहिर एरा थान जाहिर एरा थान ठीक है इसको जहाँ देवता को रखा जाता है और ये जनरली कहाँ रखा जाता है ज सखुआ या साल का वृक्ष होता है वहाँ पर ठीक है नेक्स्ट मेरा आता है कि संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन से हैं तो मराग बुगु हो गया ठीक है नेक्स्ट क्या है कि संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है जो प्रधान ग्राम देवता होता है उसको जाना जाता है प्रधान ग्राम देवता नेक्स्ट क्या है कि संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान कहाँ है ज़ाहिर एरा थान हो गया ठीक संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान ज़ाहिर थान इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है तो ये केवल सखुआ केवल महुआ उपोक्त दोनों तो महुआ सखुआ दोनों के ऊपर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन क्या है कि संथाल जनजाति के गृह देवता को क्या बोलते हैं गृह देवता को क्या बोलते हैं उड़ाक बोंगा ठीक है मरांग बुरु किसको बोलते हैं पहाड़ देवता को मरांग मरांगबुरु बोलते हैं सिंह बोंगा प्रमुख देवता सूर्य के समान जाहिर एरा ग्राम देवता को जाहिर एरा बोलते हैं ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उड़ाक बोंगा नेक्स्ट अगर देखें तो संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है जलाया जाता है दफनाया जाता है दोनों तथा दोनों प्रथा प्रचलित है न तो जलाया जाता है न ही दफनाया जाता है ठीक है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो उसमें एक चाचो छठियार होता है ठीक है चाचो छठियार किसी भी उम्र में हो सकता है चाचो छठियार जो है किसी भी उम्र में होता है यदि चाचो छठियार नहीं हुआ है तो वो व्यक्ति जो होता है संथाल समाज में आधिकारिक रूप से जो है सम्मिलित नहीं माना जाता है इसलिए उस टाइप के व्यक्ति को दफनाया जाता है यदि वो चाचो चाचो छठियार हो चुका था होता है तो उसको क्या जलाया भी जा सकता है लेकिन ये कहेंगे इसमें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों प्रथा प्रचलित है लेकिन यदि चाचो छठियार नहीं हुआ है तो जलाया कभी नहीं जा सकता उसको दफनाया ही जाएगा ठीक है लेकिन दोनों प्रथा जो है प्रचलित है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल गाँव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है ठीक है तो धार्मिक प्रधान यहाँ कहा गया है धार्मिक प्रधान तो धार्मिक प्रधान को क्या कहेंगे नायके कहेंगे ठीक है धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है नायके कहा जाता है ठीक है लेकिन पंचायत व्यवस्था की बात करें तो उसके प्रधान को क्या बोला जाता है जो न्यायिक या प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें उसको मांझी कहा जाता है उसमें असिस्टेंट होते हैं जोग मांझी प्रमाणिक और एक संदेशवाहक होता है गोड़ायत ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है ये पहला क्या है सही है संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से शरीर पर गोदना टैटू कराती है गलत है क्योंकि पुरुष अधिकतर गोदना टैटू कराते हैं और संथाल जन महिलाओं को पर्दा में रहना अनिवार्य तो ये भी गलत है ठीक है तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे जो संथाल जनजाति के रिगार्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थाट्स